आज की बैठक विशेष रूप से प्रदेश में चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में, अभी 3 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में कमेटी की लास्ट बैठक हुई हमारी मांगों के संबंध में। हमारी एक ही सूत्री मांग है कि अंशकालीन से हमें पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर मान दिया जाए, लेकिन 3 तारीख को अभी सरकार ने केवल कमेटी गठित की गई थी, लेकिन सचिव ने साफ कहा गया है कि आगामी 15 दिवस के भीतर जैसा भी है आप लोगों को तीनों बैठक की कार्यवाही को अनुमोदन करके अनुमोदन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर आपकी जैसा भी है मांग के संबंध में बता दिया जाएगा। और हम पूरे बालोद जिले के स्कूल सफाई कर्मचारी ने यह निर्णय लिए हैं कि जब तक सरकार ने किसी प्रकार की लिखित आदेश हमारी अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर के लिए नहीं करते, तब तक हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। 15 अगस्त तक अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे क्या रणनीति है आपकी? मैं चाहता हूँ हमारी मंशा को पूर्ण करे। मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हमें बाध्य न करे। आने वाला 15 अगस्त में हमारी जो मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन वो कर दे, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं एक ही निवेदन है कि 15 अगस्त के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हम लोगों के लिए जनहित में अंशकालीन से पूर्णकालीन करने की बात नहीं करें।